नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे विश्व के मानचित्र के बारे में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इस क्लास में ऑस्ट्रेलिया के देश देखेंगे और उनकी राजधानियां। याद रखिए विश्व के इतिहास में आपका हम लोग पूरा इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आपका पूरा जो भी विश्व का भूगोल में मानचित्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार हम टॉपिक बता देते हैं आपको कि अभी तक हम लोग क्या क्या खत्म कर चुके हैं। और याद रखिए जितने भी टॉपिक बाय टॉपिक हैं आपके मैप्स के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, वहां जाकर देख लें। इतना काफी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। इससे ज्यादा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इतना कवर कर लीजिए और जो भारत का पार्ट बचा हुआ है उसे हम लोग अगले क्लासों में देख लेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैप्स के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने बहुत ही साधारण शब्दों में मैप्स को लेते हुए चलिए, ठीक। तो शुरू किया था हमने पृथ्वी का एक परिचय, फिर हम लोगों ने एक विश्व का एक परिचय देखा था। तीसरा चैप्टर था आपका उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, फिर दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, अफ्रीका महाद्वीप में जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, यूरोप की पर्वत श्रेणियां और एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, फिर देखा था ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर व श्रेणियों के बारे में। फिर बात की थी हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां, दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियां, अफ्रीका की प्रमुख नदियां, यूरोप की प्रमुख नदियां, एशिया की प्रमुख नदियां, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें, दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख झीलें, अफ्रीका की प्रमुख झीलें, यूरोप की प्रमुख झीलें, एशिया की प्रमुख झीलें, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, विश्व के प्रमुख पठार, विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष, विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, विश्व के सागर व महासागर, विश्व की जलधाराएं, विश्व की प्रमुख खाड़ियों के बारे में बात की थी हम लोगों ने, विश्व की प्रमुख स्थानीय पवने देखी थी, विश्व की प्रमुख जनसंधियां और स्थल संधियां भी देखी थी, विश्व के प्रमुख बंदरगाह, विश्व के प्रमुख द्वीप, विश्व के वन वनस्पतियां, विश्व के उष्ण बाबा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व खनिज संसाधन देखे थे जैसे आपका सीसा, टिन, गैस, तेल, कोयला, यूरेनियम, थोरियम, सोना, चांदी, तांबा, मैगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं उन्हें देखा था, विश्व के कृषि व मत्स्य पालन देखे थे, विश्व के प्रमुख परिवहन, विश्व के लोह इस्पात औद्योगिक स्थल, मोटर गाड़ी औद्योगिक स्थल, जलपोत निर्माण औद्योगिक स्थल, विश्व की प्रमुख जो जनजातियां हैं उन्हें भी देखा था। पर हम लोगों ने बात की थी उत्तरी अमेरिका के देश व उनकी राजधानियां, दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख देश और उनकी राजधानियां, अफ्रीका महाद्वीप की देश देखे थे उनकी राजधानियां, एशिया के देश व उनकी राजधानियां, यूरोप के देश व उनकी राजधानियां, लास्ट हमारा चैप्टर बचता है ऑस्ट्रेलिया के देश और उनकी राजधानी। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप्स में स्थिति देखते हैं कहाँ है आगे। ये है आपकी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। तो इसमें हम लोग उत्तरी अमेरिका में देख चुके हैं, दक्षिण अमेरिका को देख चुके हैं, अफ्रीका देख चुके हैं, यूरोप देख चुके हैं और आपका एशिया भी देख चुके हैं। अब हमें बात करनी है ऑस्ट्रेलिया की इस क्लास में। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में आपका यहाँ आपका ये आपका यहाँ डार्विन है, ये ऑस्ट्रेलिया में ही डार्विन। ये आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। यहाँ आपका क्वींसलैंड है, ये आपका हो गया न्यू साउथ वेल्स दिख रहा है आपको, यही आपका सिडनी हो गया, विक्टोरिया है, मेलबोर्न है, ठीक है, और एडिलेड, ये आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आपका पर्थ है, यहाँ महान ऑस्ट्रेलियाई खलीज है और यहाँ आपका हॉबर्ट है, कौन सा हॉबर्ट, यही आपका तस्मानिया है और फिर यहां आपका न्यूजीलैंड,
ये आपका दक्षिणी द्वीप है और ये आपका उत्तरी द्वीप, ठीक है, ये आपकी कुक जल संधि है, ठीक है, ये आपका वेलिंगटन है। तो इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को द्वितीय महाद्वीप कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ओशेनिया, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, मेलानेशिया प्लस माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया को मिलाकर आपका ओशेनिया बनता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, इन सभी को मिलाकर आप लोग क्या बोलते हैं? ओशेनिया। ये आपका डार्विन हो गया, ये आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड, ये आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स सिडनी, विक्टोरिया एडिलेड, बॉस जल संधि मेलबोर्न, तस्मानिया हॉबार्ट, ये आपका न्यूजीलैंड है, दक्षिणी द्वीप और वेलिंगटन यानी कि उत्तरी द्वीप, ठीक है, ये कुक जल संधि है। इनकी अवस्थिति की बात करें हम लोग तो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है ये आपका ऑस्ट्रेलिया, आपका पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में। इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 28 डिग्री 15 मिनट दक्षिण से 54 डिग्री 30 मिनट दक्षिण तक। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 112 डिग्री 9 मिनट पूर्व से 109 डिग्री 12 दक्षिणी पूर्व तक है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 76,86,850 वर्ग किलोमीटर। उत्तरतम बिंदु है इसका पूर्व मिडवे द्वीप 28 डिग्री 15 मिनट। दक्षिणतम बिंदु है मैकवेरी द्वीप 54,030 दक्षिणी न्यूजीलैंड। पूर्वोत्तम बिंदु है किलपर्टन द्वीप 109 डिग्री 12 पूर्व। पश्चिमतम बिंदु है इंसक्रेप्शन अंतरी 112 डिग्री 9 मिनट पूर्व। उच्चतम बिंदु है माउंट विलहेल 4,509 पपुआ निगुनी में। निम्नतम बिंदु है आयर झील -16 मीटर, ठीक। ये आपके कुछ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख तथ्य थे। पॉलिनेशिया इसमें देख लेते हैं, पॉलिनेशिया ये मेलानेशिया माइक्रोनेशिया, मरियाना द्वीप यूएस, पिलाऊ कैरोलिन द्वीप वेक द्वीप, मिडवे द्वीप मार्शल द्वीप, किरीबाती द्वीप जिसमें बिस्मार्क होगा, न्यू गिनी सोलोमन द्वीप, गिलबर्ट द्वीप, संता क्रूज, वनुआतु फिजी, न्यू कैडेडोनिया, टोंगा, कैरमाडेक, गैम्बियर द्वीप, ईस्टर द्वीप, मैंगवा, तहिती, मार्केसस द्वीप, किरबती, टोकेलाउ, तुवालु, समाओ, कोक द्वीप, सोसाइटी द्वीप, ऑस्टल द्वीप, हॉनेक्स द्वीप, बेकर द्वीप और ये आपका हवाई द्वीप हुआ, ठीक है। बात करते हैं पॉलिनेशिया मध्य प्रशांत महासागर में 30 डिग्री उत्तर उत्तरी तथा 47 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित द्वीप समूह, जिसमें के अंतर्गत आपका न्यूजीलैंड हवाई द्वीप समूह, समोआ, लैंड द्वीप, फ्रेंच पॉलिनेशिया, कुक द्वीप, फोनिक्स द्वीप, एलिस द्वीप, टोंगा द्वीप एवं ईस्टर द्वीप आते हैं। यहाँ के लोगों को पॉलिनेशियाई कहा जाता है। यहाँ के मुख्य निवासी हवाईयन, माओरी, मार्कस, मार्सन, समुअन, टोंगन, ताहितियन। फिर आपका माइक्रोनेशिया पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व स्थित द्वीप, इसके अंतर्गत आपका मेरियाना, पलाऊ, कैरोलाइन, मार्शल तथा गिलबर्ट द्वीप आते हैं। मेरियाना, पलाऊ तथा कई कैरोलाइन द्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति के हैं, जिनमें कुछ चोटियां 1,000 से 2,500 फीट ऊंची हैं। मार्शल तथा गिलबर्ट द्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप हैं आपके। प्रमुख राजनीतिक विभाग किरीबाती, तुवालु, गुआम, नोरू एवं ट्रस्ट टेरिटरी। यहाँ के लोग माइक्रोनेशियाई हैं, जो मेलानेशियाई, पॉलिनेशियाई तथा मलेशियाई प्रजाति के मिश्रण है। फिर आपका मेलानेशिया ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप का समूह, जिसके अंतर्गत
डोनिया, न्यू हेवराइड, सोलोमन द्वीप, एडमिरेलिटी द्वीप, बिस्मार्क द्वीप समूह तथा फिजी द्वीप आपके आते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख देश, देख लेते हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। इससे स्वतंत्रता मिली 1 जनवरी 1901 को। शासन प्रणाली यहाँ की संघीय संसदीय लोकतंत्र। भाषा है अंग्रेजी। मुद्रा यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। कुल क्षेत्रफल है इसका 76,86,850 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके प्रमुख नगर हैं आपके कैनबरा, सिडनी, पर्थ, मेलबोर्न, डार्विन। धर्म है ईसाई। फिजी, इसकी राजधानी सुवा। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 10 अक्टूबर 1970 को। शासन प्रणाली गणतंत्र है। भाषा है अंग्रेजी, फिजियन, और यहाँ की मुद्रा है फिजियन डॉलर। क्षेत्रफल है 18,270 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपका चारों ओर से ही समुद्र से घिरा हुआ है। धर्म है ईसाई, हिंदू, मुस्लिम। न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी है वेलिंगटन। स्वतंत्रता मिली 26 सितंबर 1907 को। शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। भाषा है अंग्रेजी, माओरी। आधिकारिक मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। कुल क्षेत्रफल है 2,68,680 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश ने चारों ओर से घिरा हुआ देश है। प्रमुख शहर है ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च। धर्म है ईसाई। अगला आपका देश है सोलोमन द्वीप समूह। इसकी राजधानी है होनुआरा, होनियारा। इससे स्वतंत्रता मिली आपकी 7 जुलाई 1978। शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। भाषा है अंग्रेजी। मुद्रा है सोलोमनी डॉलर। कुल क्षेत्रफल है 28,450 वर्ग किलोमीटर। और पड़ोसी देश में चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। धर्म है ईसाई। इसका अगला देश है आपका वानुआतू। इसकी राजधानी है विला। भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। मुद्रा है वाटू। कुल क्षेत्रफल है 12,190 वर्ग किलोमीटर। फिर है आपका पश्चिमी पपुआ। इसकी राजधानी है जया पूरा। भाषा है इंडोनेशियाई, इंडोनेशियन। मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। क्षेत्रफल है 4,18,000 वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश है तुवालु। इसकी राजधानी है फोंगा फेले। अंग्रेजी भाषा और तुवालु भाषा भी बोली जाती है। मुद्रा है डॉलर ऑस्ट्रेलियन। कुल क्षेत्रफल है 26 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी तिमोर, राजधानी दिल्ली। भाषा है टीटम। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। कुल क्षेत्रफल है 14,870 वर्ग किलोमीटर। अगला देश है टोंगा। राजधानी है नुकू, अलोफो, अलोफा। ठीक, भाषा है अंग्रेजी टोंगा। मुद्रा है पांगा। कुल क्षेत्रफल है 750 वर्ग किलोमीटर। अगला देश है पपुआ न्यूगिनी। इसकी राजधानी है पोर्ट मौसवी। भाषा है अंग्रेजी। मुद्रा है कीना। क्षेत्रफल है 4,62,840 वर्ग किलोमीटर। नोरू, राजधानी है एरेन। भाषा है अंग्रेजी। मुद्रा है डॉलर ऑस्ट्रेलियन। और क्षेत्रफल है 21 वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख की राजधानियां और प्रमुख नगरों के बारे में। क्राइस्ट चर्च दक्षिणी द्वीप पर अवस्थित न्यूजीलैंड का नगर है। दुग्ध उत्पादों का निर्यात होता है यहाँ से। मांस, रसायन, वस्त्र एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हॉबार्ट, यह नगर आपका तस्मानिया की राजधानी व प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ सेब उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रमुख है। डार्विन ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी प्रांत की राजधानी व प्रमुख बंदरगाह है। इस नगर को ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से लकड़ी, अनाज व मांस का निर्यात होता है। पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलिया प्रांत की राजधानी। यह एवॉन नदी के तट पर अवस्थित है। यह ट्रांस ऑस्ट्रेलियन सेल रेलवे का अंतिम पश्चिमी जंक्शन है। यह लो इस्पात गाड़ियों विनिर्माण
वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कैनबरा यह नगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, स्थानीय भाषा में कैनबरा का अर्थ होता है मिलने की जगह। यह ऑस्ट्रेलिया का मुख्य प्रशासनिक नगर है। एडिलेड यह नगर सेंट विंसेंट की खाड़ी पास स्थित दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख राजधानी व प्रमुख बंदरगाह रहा। यह आटे की मिल, दुग्ध एवं ऊनी वस्त्र उद्योग विकसित है यहाँ। इसके निकट स्थित वारसोसा घाटी अंगूर उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। फिर आपकी आयर्स रॉक, यह नगर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक छोटा नगर है। यहाँ लाल पत्थरों से बनी और स्वतंत्र रूप से खड़ी विश्व की सबसे बड़ी मोनोलिथिक रॉक, जिसे उल्लूरू कहते हैं, यह ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलिया वासियों का पवित्र स्थल भी है। वेलिंगटन यह उत्तरी द्वीप के दक्षिणतम छोर पर स्थित यह नगर न्यूजीलैंड की राजधानी है। यह विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। यहाँ खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, वस्त्र उद्योग का काफी विकास हुआ है। ऑकलैंड यह न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर है व सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। यह न्यूजीलैंड का प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक नगर भी है। वह वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेम्बर, खाद्य प्रसंस्करण व मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपकी बेसमेन, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य की राजधानी व प्रमुख बंदरगाह है। यह एप्सविक कोयला क्षेत्र के पास अवस्थित है। यह मुख्य औद्योगिक नगर है जो खाद्य प्रसंस्करण, लोकोमोटिव तथा मशीन विनिर्माण केंद्र भी है। फिर आपका सिडनी, न्यू साउथ वेल्स राज्य की राजधानी वह ऑस्ट्रेलिया का प्राचीनतम नगर है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ का बॉन बीच पर्यटकों को आकर्षित करता है। फिर आपका मेलबोर्न, यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की राजधानी व दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। यहाँ रासायनिक, जलपोत निर्माण, वायुयान, रेलवे कलपुर्जे एवं ऑटोमोबाइल उद्योग है। यहाँ प्रत्येक वर्ष ऑस्ट्रेलियाई ओपन का आयोजन किया जाता है। फिर आपका एलिस स्पेन, ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी क्षेत्र में स्थित यहाँ तेल एवं प्राकृतिक गैस की विशाल भंडार में से संबंध है। एडिलेड के साथ रेल मार्ग से संबंध है। तो चलिए, ये था आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, आपका वर्ल्ड यानी कि विश्व का भूगोल का जो भी माप मानचित्र का पाठ था पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका एक पूरा विश्व का भूगोल मानचित्र कंप्लीट हो गया। अब बचा भारत का, तो उसे हम लोग आगे शुरू करेंगे। ठीक है।